शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र। सूबेदार संजीव कुमार, 4th बटालियन, द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस, मरणोपरांत। चार अप्रैल 2020 को सूबेदार संजीव कुमार एक विशेष बल टुकड़ी के कमांडर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनकी टुकड़ी को पाकिस्तान प्रायोजित घुसपैठियों का खात्मा करने, घुसपैठ ट्रैक को बंद करने के लिए विशेष ऑपरेशन के अंतर्गत हेलीकॉप्टर से कश्मीर की मुश्किल बर्फीली पहाड़ियों में उतारा गया। घुसपैठ कर चुके आतंकवादियों के पैरों के निशान का पीछा करते हुए 5 घंटे से भी अधिक समय तक कमर से गहरी बर्फ से जूझते हुए सूबेदार संजीव कुमार अपनी टुकड़ी के साथ आतंकवादियों के संभावित स्थान के नजदीक पहुंचे। इसी बीच उनके 2 साथी बर्फ पर फिसलने के कारण एक नाले में जा गिरे एवं आतंकवादियों की भारी गोलीबारी से घायल हो गए। सूबेदार संजीव कुमार अपने साथी के साथ उन्हें बचाने के लिए तुरंत नाले में कूद गए। अपनी जान की परवाह न करते हुए आतंकवादियों की भीषण गोलीबारी के बीच अपने एक साथी को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे। जो ही दूसरे सैनिक को निकालने के लिए वो दोबारा मुड़े, एक छिपे हुए आतंकवादी ने उनके बाकी साथियों पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। अपने साथियों पर आए खतरे को भांपते हुए सूबेदार संजीव कुमार उस छिपे हुए आतंकवादी की ओर बढ़े और बिल्कुल नजदीक से उसे मार गिराया। अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए वह पुनः अन्य आतंकवादियों की ओर बढ़े और बेहद नजदीकी लड़ाई में 2 और आतंकवादियों को घायल कर दिया। इस दौरान गोली लगने से वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए एवं अंततः मातृभूमि की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके अतुलनीय नेतृत्व एवं पराक्रम की प्रेरणा से उनके दल ने 5 कट्टर आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। सूबेदार संजीव कुमार ने विषम परिस्थितियों में 1 खूंखार आतंकवादी को मार गिराने, 2 आतंकवादियों को घायल करने एवं अपने घायल सैनिकों को बचाने में असाधारण वीरता, अदम्य साहस तथा अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा भाव का प्रदर्शन किया। भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च परंपराओं का निर्वहन करते हुए राष्ट्र रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सूबेदार संजीव कुमार की पत्नी श्रीमती सुजाता देवी।